यहाँ पे हमारा काम हो चुका है शुरू। देखो भाई साहब, हमारे स्काई कार के जो टेक्नीशियन है, ये लग रहा है करीब 2-3 घंटे तो लगेंगे ना, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे इसको पूरा होने में। जो ये पूरा ये पोर्शन है ग्लव बॉक्स, ये पूरा निकलता है ताकि जो अंदर आपका सिल्वर यूनिट है वो एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, तो सिल्वर यूनिट निकलेगा, वहाँ से कनेक्शंस निकलेंगे, उसके बाद ये वाला पोर्शन खुलेगा मिडिल वाला, उसके बाद टच स्क्रीन लगा के देखेंगे कि क्या होता है। ये हमारे राजेश जी सीनियर टेक्नीशियन यही कर रहे हैं इंस्टॉल, ये और दो भाई साहब जो लगे हुए हैं। ये हाय यू टू। हाय दिल में लग गया, हाय दिल में लग गया, दिल में लग गया। मैं दिखा दूँ, सिल्वर बॉक्स लगा है उधर, और ये है टच स्क्रीन जहाँ पे लगाया जा रहा है कनेक्शन। डन टन डन कनेक्टेड, इट इज ऑन। ये निकल गया एंटीने का कनेक्शन, और ये रील लग जाएगी इसमें। अब देखते हैं FM का क्या हाल है। Radio City Time Perfect guys, ENEOS Motor, Japan's number one oil company. तो गाइज ये है मेरा सिल्वर यूनिट, XM में ऐसा लगा हुआ था, देखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेम का सेटअप चल रहा है, तो फ्रेम कुछ ऐसा लगेगा इसके बाद, और दोस्तों ये काम हो रहा है स्काई कार से, हमारे नितिन भाई की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। हमें टाइम क्या लगा है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन है ना, ये जो एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड वाला, नए वाले पे क्या हो रहा है कि ये जैक बिल्कुल चेंज है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो नया वाला 2020 मॉडल है उसमें जैक ऐसी है ना राजेश भाई, ये है, और जो पुराने वाले में जैक ऐसा है। तो एंड्रॉयड और एप्पल के लिए हमें ये जैक लगानी पड़ी। अब यार बहुत लोग ये कह सकते हैं कि आपको एंड्रॉयड जो नॉर्मल आता था स्क्रीन लगाना चाहिए था, और ये मैंने क्यों प्रेफर किया, इसका मेन एक ही रीज़न है ये प्रेफर करने का, ठीक है, स्क्रीन आ जाएगा नेविगेशन वगैरह के लिए, एंड्रॉयड ऑटो चलेगा। दूसरी बात, जो माइक है मेरा सेम रहेगा, एंटीना भी सेम रहेगा, साउंड की क्वालिटी सेम रहेगी, सबसे मेन चीज़ ये है। आपको हारमोन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, यही रीज़न था मैंने इसको चूज किया। अब देखिए इसको क्रैंक करके देखते हैं, चाबी ऑन, 1 2 3, ये भी दिखाता है आपको, ये कैमरा तो है ही, ठीक है, ये दिखाता है। इसमें कैमरे का अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कैमरे का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं, कैमरा फिलहाल नहीं चल रहा है इसमें, लेकिन ये आपको सेंसर्स वगैरह दिखा देगा। फाइनली गाइस टाइम हैज कम, ये फ्रेम हमने नीचे वाले लगा दिया है, ठीक है, इस फ्रेम के बाद सिस्टम इसमें लग गया है। अब पीछे 2 स्क्रूज लगते हैं यहाँ पे। अब मेन, अगर इससे पहले आपने ना ओरिजिनल हारमोन किसी ने लगाया हो तो आपने, मैंने वीडियो में सुना था, उस बंदे ने ये बोला था कि ये पूरा डैशबोर्ड है ना आपका, ये पूरा डैशबोर्ड खुलता है। तो ये डैशबोर्ड में खोलने को तैयार नहीं था, कि एक बार डैशबोर्ड खुल जाएगा ना तो खड़खड़ की रैटलिंग की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न था, ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ नितिन भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये डैशबोर्ड नहीं खुलेगा, सिर्फ यहीं से हो जाता है। ये प्रूफ भी है, देखिए डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से कनेक्शन हो जाते हैं पूरे। हाँ जी राजेश जी, जो हमने ये तारे बनाई है ना, इस पर भी हम टेप नहीं मारेंगे, इस पर भी स्लिप चढ़ाएंगे ताकि सेफ रहे ना। हाँ जी, टेप से क्या होता है कि कभी कभार टेप गर्मी में गल जाता है, खराब होने लगता है हीट की वजह से, स्लिप चढ़ाएंगे तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा।
जब ऐसा काम होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सॉलिड काम। एंड इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा राजेश जी को, थैंक यू। बस वायर रेडी हो गई, स्ट्रिंग कंट्रोल लगाएंगे, यहाँ से कनेक्शन करेंगे वहाँ पे, वी विल बी गुड टू गो। तो गाइस मेन यहाँ का जो काम है ना वो निपट चुका है, कनेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब यहाँ का काम बचता है, तो यहाँ से स्टीयरिंग खोला जा रहा है। जैसे स्टीयरिंग खुलता है उसके बाद जो हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल माउंट है वो लगेगा इसमें, ठीक है। देखिए ऊपर से पॉप आउट हो गया है, देखिए फाइनली सब कुछ हो चुका है। यू कैन हियर द स्वीट साउंड ऑफ टाटा कनेक्टेक, स्टीयरिंग कंट्रोल भी देख रहे हैं। सरस आजीविका न्यूज़ राइट, कंट्रोल करें, अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, उसी से किडनी की बीमारी को रोका जा सकता है। और जिन लोगों को किडनी की बीमारी है उसका भी एक ही इलाज है और वो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो एक नाम ट्राइडेंट रेवेन्यू कॉमर्स इंडस्ट्री सो गाइज फाइनली हमने एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर लिया है। और देखिए एंड्रॉयड ऑटो हमने यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ पे शुरू हो चुका है। कुछ यहाँ पे कीजिए, यस कीजिए, ठीक है। अच्छा नेहरू प्लेस आपको होम क्यों दिखा रहा है? अच्छा मोटो होम पे आ गए, यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो में है। अगर हमें ये देखे कॉल, ये तो एंड्रॉयड ऑटो हो गया। अगर कॉल डिटेल्स हमें चाहिए, देखो कॉल डिटेल्स वगैरह आ जाती है फ़ोन की। सो एंड्रॉयड ऑटो इज़ परफेक्टली वर्किंग। मेरे पास एप्पल नहीं है तो हम वी कैन नॉट चेक इट राइट नाउ। एवरीथिंग इज वर्किंग गुड थैंक्स टू राजेश जी, जिन्होंने कितने घंटे लगाए, कमांड नॉट अंडरस्टूड कैंसिल, 5-6-7 घंटे लग गए सुबह से आया हुआ, तो सुबह से आए हुए। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब गाड़ी एकदम टॉप नॉच हो गई है, स्ट्रिंग कंट्रोल लग गया, लाइट इसमें जल रही है, प्लस ये टस्किन लग गया है, सब कुछ हमने चेक कर लिया, गाना वगैरह सब काम कर रहा है। जो नेविगेशन है हम लोग अभी जाते समय मैं चेक करूंगा, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। जबरदस्त 825 जबरदस्त 895 एफएम, बहुत हैवी ड्राइवर हो तुम तो, मौज करा दी क्या बात है, मौज करा दी क्या बात है, हिप हॉप की वाइब जबरदस्त, ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से एक हफ्ते में लग जाना चाहिए, थोड़ी R&D चल रही है इसमें। जो आपको फोटो दिख रही है ये सिल्वर यूनिट के पीछे का पोर्शन है, इसमें डिफरेंट टाइप के सॉकेट होते हैं, हर सॉकेट का डिफरेंट काम है, किसी पे एंटीना लगता है, किसी पे एप्पल कार प्ले उसका जैक लगता है। जो व्हाइट कलर का आपको सॉकेट दिख रहा है ये मेनली रिवर्स कैमरे के लिए बना हुआ है। अब मेन चक्कर क्या हो रहा है कि इसमें जो पिन्स लगे हैं 10 पिन लगे हुए हैं और कैमरे के लिए सिर्फ इसमें 4 या 5 पिन ही यूज़ होता है। अब हमें हमारे पास डायग्राम नहीं है कि कौन सा पिन कौन सा यूज़ होता है, तो डायग्राम मेरे पास कल सुबह तक आ जाएगा, और जैसे हमें पास डायग्राम आ जाएगा हमें पता चल जाएगा किस पिन का क्या काम है, क्योंकि इसमें सिग्नल का जो पिन है वो भी होता है और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह कनेक्शन के लिए होते हैं। तो एग्जैक्टली डायग्राम से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पिन किस यूज़ के लिए होता है, हम कैमरा इसमें लगा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारों ने बोला था भैया आपने पुराना मॉडल का जो हार्मन है वो लगा लिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, फेसलिफ्ट में जो मेरा मॉडल है XM, उसका जो फ्रेम होता है जहाँ पे सिस्टम लगता है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आप टॉप मॉडल की बात करें फेसलिफ्ट, तो उसमें जो फ्रेम लगा रहता है जहाँ पे सिस्टम लगता है वो टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब जो 7 इंच का टच स्क्रीन है XM पे, फ्रेम दूसरा है इसलिए लगता नहीं है। जो आपको फोटो में दिख रहा है एक 7 इंच का टच स्क्रीन है और दूसरा वाला 6.5 का ये टच स्क्रीन है। अगर आप दोनों आप सॉकेट को देखिएगा पीछे वाला, वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए 6.5 का मैंने अपने XM पे लगाया, 7 इंच में कंपैटिबल नहीं है। हालांकि 7 इंच का जो स्क्रीन है मैं उसको चेक करने के लिए लाया हूँ,
अगर ये फिट हो जाता है किसी तरीके से जुगाड़ करके, अगर ये फिट हो जाता है हमारे एक्सएम में, तो ये 7 इंच का जो स्क्रीन है वो भी एक्सएम में लग जाएगा। अभी चेक करना बाकी है कि क्या ये लग पाएगा या नहीं लगेगा। फिलहाल तो 6.5 बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से कंपैटिबल है, बिल्कुल फिट आ गया है जो उसका टच स्क्रीन है। नीचे सिल्वर यूनिट तो सेम होती है, उसका कोई इशू नहीं है। यही रीज़न था मैंने अपने गाड़ी पर 6.5 का हार्मन लगाया। लेकिन अगर आप बात करें अल्ट्रॉज की, क्योंकि अल्ट्रॉज को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं आए हुए, तो अल्ट्रॉज की एक्सी रिदम, एक्सी में तो नहीं लगेगा, उसमें फ्रेम ही नहीं होता। अल्ट्रॉज एक्सी रिदम एक्सएम की बात करें तो उसमें 7 इंच लग जाता है, क्योंकि जो फ्रेम लगा हुआ है एक्सी रिदम में या फिर एक्सएम में, वो बिल्कुल टॉप मॉडल का लगा हुआ है। तो यस, अल्ट्रॉज में 7 इंच का जो हार्मन है वो लग जाएगा, लेकिन एक्सएम पे नहीं लगेगा। और जो सिस्टम लगा है वो स्काई कार से नितिन भाई की वजह से मेरे गाड़ी में पॉसिबल हो पाया है। अगर किसी को स्काई कार के बारे में नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं, स्काई कार रमेश नगर दिल्ली, वो आपको स्काई कार का लोकेशन दे देगा। ये कार एक्सेसरी शॉप है और वहाँ पे नितिन भाई का नंबर भी मिल जाएगा, आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हो क्या सिस्टम अवेलेबल है, हार्मन का ओरिजिनल अगर है तो प्राइस क्या है उसका। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था ये देने से पहले, उन्होंने बोला कि ये रिक्वेस्ट पे ही अवेलेबल हो पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होगी, लिमिटेड होगी, तो शायद बहुत कम लोगों को ये मिल पाएगा। तो अगर किसी को ज़रूरत है, नितिन भाई का जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी न्यूज़ मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे जो कार पे है नितिन भाई की वजह से इसमें हार्मन लग गया है, तो इसके अलावा दो और हार्मन के 6.5 इंचेस वाले विद सिल्वर यूनिट मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं motortalk2@gmail.com पे, डिस्क्रिप्शन पे आप ईमेल दे देता हूँ, उस पर ईमेल कीजिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिएगा। फ़िलहाल सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, एंड्रॉयड मैंने इसको यूज़ किया है, बहुत बढ़िया चल रहा है सिस्टम। जो साउंड है बहुत अच्छा है, मुझे यही चाहिए था। ये सिस्टम है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, क्योंकि उसमें एंटीना अलग सा लगता है, वो हमेशा प्रॉब्लम देता है। उसके बाद जो उसमें माइक्रोफोन लगता है, हार्मन का जो ओरिजिनल टाटा में लगा रहता है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें जो हार्मन वाला, उसमें आवाज़ क्रिस्प एंड क्लियर जाती है जब भी आप हैंड्स फ्री बात करते हो।